मुझे माफ कर दो। आप लोग करेंगे किसका? मरेगा तू? तू मरेगा? बात तब तो ठीक है। हाथ टाइम खाया, हाथ टाइम खाया। फोन 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 पैर पकड़। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश बाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों हम लोग इसी रास्ते से शूट पे आते हैं कि बगल में ही पार्क है तो यहाँ पे एक पास में मंदिर है। तो दो दिन से हम नोटिस कर रहे थे कि एक आंटी है काफ़ी परेशान रहती थी, बाकी लोग बैठे रहते थे जो मांग के खाते हैं वो भी वहीं पर रहती थी। लेकिन आज अचानक देखी कि वो आंटी रास्ते पर जा रही है सीधे बीचों बीच। क्या फ़ायदा उनको सुसाइड करने का मन है कि क्या है? एक गाड़ी वाला भाई सब उधर से आ रहे थे, उन्हीं से हम पूछे तो वो बोला वो पागल औरत है, वो बोल रहे बीच रास्ते पर कहाँ जा रही है। तो बोले तुमको उससे क्या मतलब, तो हम उनसे चल के बात करते हैं। एक्चुअली में उनके साथ हुआ क्या है बात करने पे ही पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, आप थोड़ा पीछे पीछे आइए। बीच रास्ते पर जा रही है। दौड़ के चल कहाँ जा रहे हो? बीच आंटी कहाँ जा रहे हो बता तो सही। नहीं मैं जा रही, तुम क्यों मुझसे बात कर रहे हो? तो जा कहाँ रहे हो? इधर जा रही, परेशान हूँ इसलिए मुझे परेशान मत करो। तो क्या हुआ क्या? सुनिए एक मिनट बात कर सकते हैं? एक मिनट रुको, बात तो करो आंटी। क्या हुआ क्या है उससे? क्या करोगे आप जानकर? आंटी बेटा है समझ के बता दो हुआ क्या है। ये बीच रास्ते पर जा रहे हो, आएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने मुझे माँ समझ के कह रहे हो, लेकिन जो है मैं ना बांझन हूँ, मैं माँ नहीं बनी। कहा हो जाएगा, वो सब भगवान का देन होता है ना। अब इतना दुखी गाय हो रहा है इसके लिए आप जान दे दोगे अपना? तो बीस रास्ते पर जा रहे हो, गाड़ी वाला बोल रहे हैं पागल हो गई है। नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे जब हस्बैंड थे तब तक तो ठीक था। जैसे हस्बैंड की डेथ हुई है, उनकी जो पहली जो दूसरी वाली जो पत्नी है उसका जो लड़का हो रखा है वो हमें बहुत परेशान करते हैं दोनों। क्या करते हैं वो आपके साथ बताओ? वो हमें ताना मारते, कहते हैं बाजन हो, ये है सो है, निकल जाओ घर से, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, ऐसे कहते हैं। तो आपका भी घर है, क्यों आप घर से निकल जाओगे? आपका भी तो हक है। अभी आपके पति हैं या डेट कर गए हैं? रो मत, रोगे तो हम भी टूट जाएंगे ना। रो रहे आप बताओ आंटी, हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं आपके लिए तो। बारिश आ रही है, चलो आप मेरे साथ चलो कहीं बैठ के बातें करते हैं। देखो आंटी, हम यहाँ वीडियो भी बनाते हैं, देखो कोई मना लगाए ठीक है। आपका भी जो भी प्रॉब्लम है ना हमको बताइए, हम आपका पक्का सपोर्ट करेंगे। अगर ट्रस्ट है, बेटा समझ रहे हो ना आपका, मैं पैर पकड़ रहा हूँ तो हमें बताओ। आप अपना जो भी प्रॉब्लम है अभी बता दो, लेकर चलिए आप। चलो चलिए वहाँ बताइए, बात करते हैं। हाँ आंटी, हम लोग तो पार्क में आ गए ठीक है, अब बताओ आपके साथ क्या हुआ है, बताओगे तब भी हम लोग कुछ करेंगे। मेरा जो मैं ना बाँझ हूँ, मतलब मेरा बच्चा नहीं हुआ था, तो मैंने ना अपने पति की ज़बरदस्ती शादी करवाई किसी लड़की के साथ। अच्छा, तो मैंने आप ही ने फोर्स किया अपने पति को शादी? मैंने उनको जबरदस्ती, आपको बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। उन्होंने ये कहा कि आप जो है शादी तो कर ली, लेकिन जो दूसरी शादी की थी उससे एक बच्चा हुआ। क्या हुआ, बेटा या बेटी? अच्छा बेटा हुआ। बेटा हुआ, और बेटा तुम्हारा अंकल की डेथ के बाद ना ये लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते मुझे, तो मारते भी हैं और मुझे गालियाँ भी देते हैं, बाजी चिड़ाते भी हैं, और मुझे जो है बहुत सताते हैं। मैं घर में रहने का मन ही नहीं करता, मुझे लगता है आपके पति के देश के बाद ना। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, तो जीना ही नहीं चाहती एक्चुअली में। अरे जिंदगी से कहते हैं हार मत मानो ठीक है, हारने से क्या प्रॉब्लम हो जाए तो उसका सलूशन निकल जाएगा। आप रो मत, रो मत, बेटा भी बोले हो, हेल्प करेंगे ठीक है। अरे रो मत आंटी, मेरी बात सुनो, मैं तो जीना ही नहीं चाहती। देखो अरे मेरी बात सुनो, उस घर पे आपका पूरा अधिकार है ठीक है, क्योंकि आपका शादी हुआ है, आपके हस्बैंड डेथ हो गए तो क्या हुआ, जो भी है घर में जो भी आपका प्रॉपर्टी है उसमें 50% है आपका, तो आप घर छोड़ के ऐसे बाहर क्यों घूम रहे हो? उधर जा रहे थे, अपने अपने आप को सुसाइड करने से कुछ होगा? करना चाहिए, बाहर जाने से क्या होगा? भाई को बुला लो, मेरी दशा मानसिक दशा भी ठीक नहीं है, ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, मैं तो बिल्कुल ही मुझे होश नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है, और ये लोग खाना देते रहते हैं, खाना भी ढंग से नहीं देते, काम करवाते रहते हैं दिन भर। आपने किसी को बताया ना कि ऐसे ऐसे ये लोग करते हैं आसपास पड़ोस वाले के, क्या रिलेटिव वाले के आपको बताना चाहिए था? बेटा किसको कहें, अपने घर की बदनामी होती है, इसलिए
तो आप अपना इज्जत समझ रहे हो लोगों को, वो लोग तो नहीं समझ रहे हैं ना आपका, से बाहर कर दें। आपका जो बेटा है वो भी हेल्प कुछ सपोर्ट नहीं करता, जो बेटा है आपका बेटा वो भी सपोर्ट नहीं करता है, वो भी बात है। थोड़े ना सौतेला बेटा है इनका, तो बेटा ही ना सौतेला, सौतेला ही होता है तो फोर्स तो ही नहीं किया ना बेटा शादी करने का, शादी नहीं होता तो कुछ नहीं होता, तो उसको तो मानना चाहिए माँ, तो भी नहीं समझता है आपको, वो भी बाजन बोलता है पागल, घर में अब मैंने आपको कौन कौन लोग परेशान करता है घर में, एक जो बोली वो इससे शादी करवाई है जो सौतम है उसका बेटा, और देवर वगैरह ये सब पूरे घर के लोग परेशान करते हैं मुझे, चैन से जीने देते ना खाने देते ना बैठने देते ना उठने देते, मैं बहुत परेशान हूँ। फोन है आपके पास? फोन है, फोन है मेरे पास। तो एक और बात है ना, जैसे मंदिर नहीं है वहाँ पे जिस रोड पे हम लोग शूट किए, वहाँ भी मैं उनको दो दिन से देखा था, दो दिन वहाँ बैठती थी, सबसे मन बहुत ज़्यादा सैड आ रही थी, हमको शंका तो पहले ही हो गया था। लेकिन काम करो आप, कॉल करो, आपका जो लड़का है ना नंबर है उनका, नंबर यहाँ पे ठीक है, नंबर है, नंबर दीजिए हम कॉल करते हैं, बुलाओ तो वो आ रहा है कि नहीं, उसको बुलाओ हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं ठीक है, बात कीजिए, बुलाइए थोड़ा उसको कि तुम्हारी हाँ हाँ ऐसे जा रही है। हेलो हेलो भाई, तू बेवकूफ है क्या पहले बता, कौन तेरी माँ इधर रास्ते पे घूम रही है, मर जाती थोड़ी देर में, तू लोग कहाँ है यार? मम्मी? हाँ तेरी मम्मी, अभी तुम्हारी मम्मी कहाँ पता नहीं है? वो तो खुद ही घर छोड़ के भाग गए, तुमको हम उतने दिन से ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। अच्छा तुम ढूंढ रहे हो? हाँ। अच्छा अभी ये मंदिर वाले जो बगल में पार्क नहीं है? हाँ। तो मैं लोकेशन भी सेंड कर रहा हूँ, मैं हम लोग उनको जा रही थी रास्ता पे, थोड़ी देर में एक्सीडेंट भी हो जाता उनका, मरते मरते आंटी बची है, तो मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप आके ले जाओ उनको ठीक है? ठीक है आ जाओ, लोकेशन भेजिए उसके पास, बुलाऊंगा, लोकेशन भेज दी। एक और बात अंडी बता रहे हैं आपको, हम यहीं पे पास में हैं ठीक है, कि उसे शक ना हो, आराम से वो माइक को छुपा लो, माइक दिख रहा है, और उसे पहले बात करो अब क्या माजरा है ठीक है, हम यहीं पे घूम रहे हैं आसपास में, आपके डरना बिल्कुल नहीं। A few moments later. कहाँ थे और वो किसने किसने बुलाया था, वो कहाँ है, वो बोलोगे कुछ? बेटा वो फोन किया था कोई, कहाँ है तो तुम बुला के क्या क्या ड्रामा लगा रखे हो, एक बारी में समझ नहीं आता क्या? तुम लोग मुझे घर में परेशान करते हो, क्या परेशान करते हो, पापा को तो खाई गई हो, तुम्हारी मम्मी परेशान करती है, क्या मम्मी परेशान करती है, तुम ऐसे करते हो तभी तो करती है। क्या करती हूँ मैं, क्या करती हूँ मैं बेटा, मैंने ही शादी करवाई थी कि एक बाप को तो खा गए ना, बाप को तो खा गए, मैं थोड़ा ना खा गई, मैं कैसे खा गई, खा गई मुझे क्यों कह रहे बेटा, मैं नहीं, मुझे बेटा, बेटा मत बोलो, बांझ जा, तुम बांझ ही रहोगी बेटा, तू भी ऐसे कह रहा है, तुमने परेशान करके रख रखा है हमारे पूरे घर वालों को बेटा, तभी तो शादी कराई थी। क्या शादी कराई, इसीलिए शादी करवाई थी बाप को खाने के लिए? बाप मैं थोड़ा ना खाई, कौन खा गया फिर, कोई खाता है बाप? हरा के सब ड्रामा कर रही हो? ड्रामा नहीं कर रही मैं। क्या ड्रामा कर रही हो, मरना एक बार जाके मर जाओ, बार बार क्या कर रही हो ये बेटा? वैसे ही मेरी जीने की इच्छा वैसे भी खत्म हो गई, मैं इच्छा नहीं तो जाओ ना, जाके मर जाओ, क्या कर रही हो यहाँ पे, अरे झूठ मूठ का आंसू मत बहाओ हमारे सामने, जब देखो लेके परेशान कर दिए हो हमारे सामने, फालतू का मत करो ठीक है ना, मैं तो परेशान हो गई, परेशान तो जाके मर जाओ ना, किस लिए हो, क्यों आए फिर तुम, नहीं आते, आए नहीं आते, फोन करा था इसलिए कोई आना पड़ गया, तो कहाँ है वो, कौन बुलाया था? तो तुम अपनी अपनी मम्मी, अपनी मम्मी को क्यों नहीं कहते, वो दिन भर मुझसे झाड़ू पोछा बर्तन तो सब करवाती है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, घर में बस खाने के लिए बैठी हो, बस खाओगी बैठोगी और कुछ नहीं करोगी काम वाम? काम तो करती हूँ बेटा। क्या काम करती हूँ, उससे भी तो कहा करो काम करने से, क्या कर रहे हो, वो तुम्हारा घर का सारा चीज संभालेगी, तुम्हारा काम करे, काम कौन करेगा, तुम ही काम करोगी बेटा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तबीयत ठीक तो जाके मर जाओ ना एक बारी में, क्यों खामा खामे पूरे दुनिया वालों को ये दिखा रहे हो कि हाय राम हाय राम, बाप को तो खा गई हो, बाकियों को भी खाना है क्या तुम्हें, नहीं तो फिर इतने तो जाओ ना, जाके मर जाओ, रोड वो रहा जाके मर जाओ,
पूरा वो दिमाग खराब कर रखा है, घर वालों को एकदम से चैन से नहीं रहने देती है। दो दिन नहीं थी, दो दिन घर में शांति थी हमारे, सारे बैठे हुए हैं आराम से। तो बेटा मैं तुझे क्या कहती हूँ, मैं तुझे कहती नहीं जाओ, तुम मुझे नहीं कहते, बाप को तो खा गई हो ना तुम। मैं कैसे, कोई खा सकता है क्या ऐसे अपने पति को, कैसी बात, खाई गई हो ना। मैं क्यों खा गई, क्या खा गई, बांझ इसलिए ऐसा कह रहा बेटा। तो होई तुम इसीलिए, तुम नहीं हो मेरे बेटे, तुम भी तो मेरे बेटे हो। मैं नहीं हूँ तुम्हारा बेटा, बेटा मैं नहीं हूँ तुम्हारा कुछ। अच्छा तुम नहीं हो इसीलिए तुम्हें ऐसा रखा है, दुनिया वालों को सुना सुना के ये ना खामा खामे वो सब ड्रामे मत करो, सुना रही हो सबको ये ना खाम रोने का नाटक मत करो हमारे सामने, ठीक है ना। क्या दुनिया वालों को क्या दिखाना चाहती हो, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है बेटा, तुम लोगों ने कल झगड़ा, तुम्हारे क्या यही सब ड्रामा करवा रखी हो। बेटा मैं क्या कहती हूँ, मैं तो आराम से घर में रहती, सारा काम करती हूँ। आराम से अगर रह रही होती तो घर पे बैठी रहती ना, बाप को खा गई हो, अब सबको परेशान करने में लगी हुई। बेटा मैं ऐसा कौन खाता है बाप को, कोई खाता है क्या, कम बोलो पहली बात तो, ठीक है ना। बेटा ऐसे तुम लोग क्यों करते हो मेरे साथ, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा, मत करो। दुनिया वालों में बेइज्जती करवा रखी है तुमने, बेइज्जती क्या करवा रखी है मुझे, तुम लोग चैन से रहने नहीं देते हो। क्या चैन से नहीं रहने देते हैं, ना खाना टाइम से देते हो, समय से देते हो, ना दवाई देते। तो तुम काम ही करोगे तो कौन करेगा, नौकरानी की तरह तुमने घर में मुझे काम करने के लिए। धीरे बोलो साहब को, ना सुनाओ मत यहाँ पे बैठ के, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खामा खामे ड्रामा कर रही हो। नहीं मैं सुना नहीं रही, मैं तुझे कह रही बेटा। मुझे क्या कह रही हो, मैं तुझसे चाहती क्या हूँ, मैं तो बस यही दो रोटी तो खाती हूँ बेटा, और इतना सारा काम करवाते हो, कुछ मत करो ठीक है ना। तुम ताने भी देते हो कि बाज है तू, ऐसे ही ऐसी तो कहेंगे नहीं। अब तुम ना दिमाग खराब मत करो ठीक है, तुम्हें अगर ये सब ड्रामा करना है ना, जाओ जाके मर जाओ, जाओ यहाँ से दिमाग खराब करके रख। अब तुम ना जाओ, जाओ यहाँ से जाके ना, चलो मर जाओ, जाओ जाओ यहाँ से। तुम यही सब करने में लगी हुई हो, ये सब करती हो क्या तुम? नहीं बेटा मैंने क्या किया है, मैंने क्या तो किया? कुछ किया ही नहीं है। तुम ना जाओ यहाँ से ठीक है ना, वो मत करो, हमारा दिमाग खराब मत करो, लेकिन तुम कर रखी हो। हाथ तो ठीक कर, थप्पड़ खा लगा। मैं उसी समय से बात सुन रहा हूँ, गुंडे बुला रखे हैं तुम। फोन पर कैसे बोल रहा था रे, मैं फोन पर कैसे बोल रहा था, फोन पर कैसे बोल रहा है भोसड़ी को, कौन है, मार क्यों रहे हो तुम? अभी बता रहा हूँ, मैंने ही कॉल किया था, हम वहीं रोड पर जा रही थी सुसाइड करने। तुम्हें क्या मतलब, कर क्या रहे हो, हमारा मतलब है तुम्हारा क्या है, उन्हीं के चले तुम्हारा जन्म हुआ उस घर खानदान हो कौन ना? होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले, बताए तुम ना। उनका बेटा हूँ, बेटा उनका बेटा हूँ, बेटा एकदम से बेटा पैदा हो गया। हाँ बेटा बनाइए, बेटा बनाइए, तू भी तो बेटा है ना उनका, बेटा के जैसा तू कर रहा उनके साथ। नहीं है वो मेरी माँ, नहीं है कांड में गोली मारूंगा ठीक है ना, उन्हीं के चलते तू घर में आया है। तो तुम होते अभी कैसे, तू फोन पर कैसे बात किया, हिंगा अपने से घर छोड़ के चली गई है, यहाँ तू क्या बोल रहा रे, हिंगा बाप को खा, बाप को खा गई, बाप को खा गई, बाप को खा गई, बाप को खा गई भोसड़ी के, समझ में आता तेरे को, बोलने का शौर नहीं है भोसड़ी के, कि तू गुस्सा था कल अपने रो रही है, फिर तू हाथ कहीं उठा रे, बात तब तो ठीक था, हाथ कहीं उठाया, हाथ कहीं उठाया रे, हाथ कहीं उठाया रे, उठा हाथ अभी, बेटा मारो ना, बेटा मारो ना, हाथ उठा बेटा, मारो ना, बेटा के लाख रहेगा सलाम, माँ के साथ है, माँ माँ है, माँ बाधन बोल रहा है, अगर वो ना चाहती ना तो तेरा जन्म ही नहीं होता उस घर में, वही फोर्स की तेरे बाप को तो तेरा जन्म हुआ, तेरे मम्मी से तेरे बाप ने शादी किया, अगर ना चाहते तेरा जन्म भी नहीं होता उस घर में, उसके बाद तू बोल रहा है मार दूंगा, कुछ भी करेगा, मरेगा तू, मर का दिखा। हाँ और क्या करता था,
उसके तरफ तेरा जन्म हुआ है ना सर। बता बोलने वाला है, बता रहा हूँ ना। कौन है तू? कौन है बोलने वाला है ये बता मेरे को। खाना बनना चले हमने खा हो रहा है, हमने खा हो रहा है तू है, हमने खा हो रहा है तू है। तेरा बाप हूँ, मार मार ना। कहा है उस बाजन का है बोल। तू कौन होता है? बाजन का है बोलता कुछ भी है। तू कौन होता है तेरे को पता है ना? उनके चलते ही तेरा घर में जन्म हुआ है। तेरे को ज्यादा पता है? हमको पता है, ज्यादा पता है। ज्यादा राज बता रही थी ना अभी तो थोड़े देर पहले सोसाइटी करके मर जाती। करवा रही हो सबको, बतवा के पिटवा रही हो है बेटा? बोलती हो बेटा है वो, बेटा आ गया तुम्हारे एकदम से। बिल्कुल मेरा बेटा है वो। बेटा है? तू मार कैसे, तू मार कैसे रहा, हाथ कैसे लगा रहा? बात हो रही है ना, बात कर ना। तो लगाऊंगा भोसड़ी की लगाऊंगा। बोलेगा और क्या करता था? और कौन कौन परेशान करता था? ये भी था और इसका चाचा भी था। वो भी पड़ता ना, चाचा को बुलाएगा बुला ना। तो वाला बुला चाचा को, बुला ना रे भोसड़ी के। मार मार ना, यहाँ पर बैठू मैं। मार 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 मर ना रे, मर रे मर मर मर। साला चुतिया समझ रखा है, माँ को परेशान करता है। माँ ना होती तो तू नहीं होता, तू किसी माँ के पेट से जन्म हुआ है, समझ में? अरे सॉन्ग थोड़े कैसे लग रहा है, हैं? मुझे भी लग रहा है लेकिन ऐसी भी हम नहीं करते। कौन करता है? घर वाले हैं वो सब करवाते। वो मैं नहीं बोलता तो फिर मेरे को मारते कि तू उनका साथ दे रहा है। तू अभी कैसे बात कर रहा था? तेरे को तो सपोर्ट करना चाहिए, मेरी बड़ी माँ है, तू सपोर्ट करता था। मैं बोलता तो फिर चाचा होता मुझे मारते हैं। तो चाचा चाचा को बुला, चाचा को उसके गांड में गोली मारूंगा भोसड़ी के। बुला